मैं सीधे चलूंगा सुमैरा के पास। सुमैरा, अभी तक आप वहां पर थी, आपने देखा वहां पर, रशिया के लिए इट इज वेरी सिंपल, दे डिसाइड एंड दे हिट द टारगेट व्हेन दे वांट टू। ये ऐसे दिखा रहे हैं जैसे रशिया को पीछे, वो उनका डायवर्जन था, उनका टैक्टिकल वॉरफेयर था। व्हाट इज योर टेक? सफलता हासिल कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स में, और इसका जवाब शायद वो इस तरह से दे रहे हैं कि देखिए कीव में नहीं है, लेकिन कीव में या कीव ओब्लास्ट से अगर बाहर निकला है रूस तो उन्होंने चूज किया है वहां से बाहर जाना। जब वो बाहर निकल रहे थे तब हम वहां पहुंचे थे कीव और कीव के आसपास के इलाकों में, चेरनी हीव तक हमने देखा किस तरह से। ये जरूर है कि उन्हें नुकसान हुआ वापस जाते वक्त, रिट्रीट करते वक्त, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं हुआ। और अभी भी जिस तरह से वो लवीव में टारगेट कर रहे हैं या कीव में टारगेट कर रहे हैं, रशिया तो बार बार ये बता रहा है कि वो जब चाहता है जहां चाहता है लॉन्ग रेंज मिसाइल से वो टारगेट करता है, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सबस्टेशंस हो, पावर इलेक्ट्रिसिटी के सबस्टेशंस हो, या फ्यूल डिपो हो, या और स्ट्रेटेजिक अहम जगहें हो, सबको वो कभी भी टारगेट कर सकता है। तो सड़क पर होना जरूरी नहीं है कीव में। और दूसरा, वो ऑब्जेक्टिव कभी लगता है था ही नहीं, जिस तरह से वहां आकर वो बैठे और फिर वहां से वापस चले गए। ये सिर्फ अमेरिका अपनी तरफ से एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये बड़ी जीत है, लेकिन कभी भी वो टारगेट कर सकते हैं कीव में, किसी भी जगह को टारगेट कर सकते हैं, ये हम सब जानते हैं और ये करके दिखा चुके हैं। आप जो बता रही हैं, अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर। जयशंकर प्रसाद सर, नाउ कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, वेस्टर्न मीडिया एक अलग प्लान के साथ खेल रहा है। अब मैं ये प्लान पूरा एक्सपोज होते हुए देख रहा हूं। निशांत, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कल क्या कहा था जो यूरोप में है आज, कि देयर इज गोइंग टू बी नो विनर इन दिस वॉर। तो विनर तो नहीं है, लेकिन इसमें लूजर कौन है? लूजर वो है जिसके यहाँ नष्ट हो रहा है सामान, जिसके लोग 6 मिलियन लोग वहाँ से शरणार्थी बन के निकल चुके हैं, जिसका आधे से ज़्यादा देश, आपने $92 बिलियन की वहाँ भी जो हानि हुई है उसके बारे में बताया, तो 92 नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा का नुकसान उस देश में हो चुका है। तो लूजर कौन है ये अपने आप सोच लें, कि बाइडेन साहब हैं लूजर, कि पुतिन साहब हैं, कि यूक्रेन है। मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ा लूजर तो इसमें कौन है, वो है जो इस लड़ाई को आगे बढ़ोती दे रहा है, वो है जो इस लड़ाई के अंदर अपना कुछ हित देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि यूक्रेन के लोगों को क्या हो रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि यूक्रेन में कितनी बर्बादी हो रही है, वो सिर्फ अपना हित देख रहा है, उसके क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या इंटरेस्ट है यूक्रेन के अंदर, उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्राइस पे कर रहे हैं यूक्रेन के लोग, उसकी प्राइस पे कर रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जो समझ नहीं पा रहे कि क्या प्राइस दे रहे हैं किसी और के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। अब आप ये जान लीजिए, रशिया जो है पिछले 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इतने संयम से काम कर रहा है, वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करके छोड़ेगा। उसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको अभी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो जितने पत्रकार वहाँ से आए हैं और जब भी शो पर हैं, रहते हैं शो पर, वो यही कहते हैं कि उनका मतलब यही था, उनका मकसद यही था कि वो सी का रूट जो है इनके लिए बंद करें, जिससे कि वहाँ सी का जो रूट रशिया को मिल सके। लेकिन बात रही कि किस किस्म की फोर्स रशिया ने इस्तेमाल की है। रशिया ने अपनी जो टोटल कैपेबिलिटी है उसका कहीं कहीं गुना कम इस्तेमाल किया है, और उसके बावजूद आप कहते हैं कि 92 बिलियन और 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, 6 लाख या पता नहीं कितने थाउजेंड ये रेफ्यूजीज वहाँ से निकल चुके हैं। तो सबसे बड़ी हार मैं मानता हूँ कि बाइडेन साहब की हुई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुई है। यू राइट सर, मैं एक चीज और आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक और रेवोल्यूशन में दिखाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं अभिषेक के पास भी आ रहा हूँ और अनिल सर के पास भी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, सबसे बड़ी हार बाइडेन की हुई है। सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब जरा नेक्स्ट चीज देखें, और ये फैक्ट्स आप प्लीज इग्नोर मत करिएगा। कीव पर कब्जा नहीं करना चाहता था रूस, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? प्ले ऑन करें, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अभी तक बात की जा रही है ना। देखिए फैक्ट्स को देखिए प्लीज, फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। कीव के 20 किलोमीटर तक करीब आकर रूस लौट गया, भागा नहीं, लौट गया। देयर इज अ डिफरेंस। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। मरियोपोल खारकीव की तरह रूस ने कीव के ऊपर मिसाइलों से हमला नहीं किया। मरियोपोल खारकीव डोनबास और खेरसोन वैसे हमले कहां हुए कीव में, सोचिए आप। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखिए कहानी क्या है। रूस जब चाहता है कीव में टारगेटेड मिसाइल अटैक करता है, कर रहा है, हम सब ने देखा। लेकिन चेंज करें इसको यहां पर, बड़ा बहुत बड़ा फैक्ट है। कीव में रूस ने अभी तक राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और बड़े नेताओं के घरों को टारगेट नहीं किया है, यह अभी सुमैरा बता रही थी आपको। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत तेजी से चेंज करें इसको यहां पर। वो ये है कि रूस ने कीव को जोड़ने वाले सभी एयरपोर्ट बर्बाद कर दिए,
लेकिन रेलवे लाइन को छोड़ दिया, यह हमको पता है। मैं सीधे अभिषेक के पास चलूंगा। अभिषेक, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये जो मैं फैक्ट दिखा रहा हूं, क्या कहेंगे आप इस पर? वो रशिया खुद इन सारी चीजों को टारगेट नहीं कर रहा है, बातें कितनी भी की जाए। बिल्कुल, ये देखिए एक फैक्ट है कि रूस ने टारगेट नहीं किया है, उन्होंने कीव के अंदर कहीं कोई टारगेट नहीं किया है, सिर्फ कीव के चारों ओर बूचा इरपिन में लड़ाई हुई थी, चेर्निहिव में लड़ाई हुई थी, और ये एक सच्चाई है। हम लोग तो उस समय कीव में मौजूद थे जब लड़ाई चल रही थी। कीव सिर्फ उनके लिए डाइवर्जन था। जितने दिन में कीव में उलझी है यूक्रेन की सेना, उन्होंने साउथ में कंसोलिडेट किया, उन्होंने सबसे पहले खेरसौन लिया। देखिए स्ट्रेटजी, देखिए खेरसौन जरूरी था, क्रीमिया को फ्रेश वाटर चाहिए था, पहले खेरसौन लिया, उसके बाद मारियोपोल। मारियोपोल 2014 की जंग में लेकर के उनके हाथ से चला गया था, वो टारगेट पे था, फिर मारियोपोल लिया, और उसके बाद वो डोनबास को लगातार अपने हाथ में लेते जा रहे हैं। 80% डोनबास उनके हाथ में आ चुका है, तो वो अपनी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रहे हैं कि उनके टारगेट पे कभी था ही नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट अभिषेक, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मुझे पता है आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज के लिए जाना है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।